आरजे ब्रजवासी चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। क्या बताएं, बहुत दुखद घटना है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में मौजपुरा क्षेत्र आगजनी और हिंसा, हिंदू शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, दिल्ली में हिंदू परिवारों के ऊपर, सिख परिवारों के ऊपर ये मुल्लाएं जिस तरीके से दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से हमला कर रहे हैं, मैं अमित शाह गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस भजनपुरा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी मिलिट्री को लगाया जाए, क्योंकि पुलिस फोर्सेस पर्याप्त संख्या में नहीं है। दिल्ली को फौज के हवाले करा जाए, वरना ये लोग दिल्ली में जो आतंक फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज इस लाइव वीडियो के तहत कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, दिल्ली में फौरन मिलिट्री को लगाया जाए, ताकि यहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ब्रह्मपुरी से जो पुलिस बचकर भागी थी दंगाइयों से, उन्हें नुरेलेही में फिर भीड़ ने घेर लिया था। उन्हें हिंदुओं ने बचाया, गंभीर चोट। वीडियो देखिए, बाद बाकी बाद में मिलते हैं क्या हो रहा है। नूरेलाई में ये देखो, शीशे पीछे सब तोड़ दिए और जान बचा के बेचारे भागे, जब यहाँ से हिंदू टूट के पड़ा है। लड़का ब्लेड से काटा है। कौन सा काटा है? ये देखो, ये लड़का ब्लेड से काटा, हमारी दिल्ली पुलिस पे हमला करा है और गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए, और ये लड़का ब्लेड से हमला करा है। कटुओं ने कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही, ये नूरेलाई का काम है, नूरेलाई में हुआ है। अभी दिल्ली पुलिस के जवानों को हमारे हिंदू भाइयों ने बचाया है, ये मुल्लाओं ने करा दिल्ली पुलिस के साथ। ये देखिए, हमारी दिल्ली पुलिस की गाड़ी का छत विछत कर दिया। ये देखिए हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो निहत्ते हैं, और दो जवान हैं, इनको हिंदू भाइयों ने आके बचाया है। और ये देखो, इस लड़के के साथ क्या कर रखा है, ब्लेड मारे ब्लेड। हाँ जी, दुखद खबर। कांस्टेबल रतनलाल के बाद डीसीपी एम एस शर्मा भी शहीद हुए दंगाइयों के बीच। कितनी दुखद घटना है। जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हीं जवानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हीं जवानों को शहीद किया जा रहा है हमारे देश में, और हमारे ही लोगों द्वारा। इसी देश का खाते हैं और इसी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।